अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। और जो नए नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हम नए और फ्रेश व्लॉग से। तो शुरुआत करते हैं हम, थोड़े से नए कपड़े पहन लिए हमने और इसके ऊपर जैकेट भी पहन लेंगे क्योंकि मौसम आज इतना गर्म है नहीं, बारिश पड़ने के चांसेस है, तो जैकेट भी पहन लेते हो। तो गाइस, हमने जैकेट भी पहन लिया क्योंकि बाहर मौसम आज ठंडा है। करते हैं दिन की शुरुआत। तो चलते हैं हम अभी घर से और निकलते हैं हम काम पे। थोड़ा बैंक पे मुझे काम है, तो मिलते हैं उसके बाद। तो अभी हम बैंक से वापस आ चुके हैं अपना काम करके। तो ये मेरा फ्रेंड है, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, आज हम बहुत सालों के बाद मिले हैं। तो काम ख़त्म हो चुका है, चलो देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो काम ख़त्म करने के बाद अभी अजान हो रही है, तो हमने वज़ू बना लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मिलते हैं। आप ये भी देख लीजिए कि कितना अच्छा पेड़ है, छाँव वाला पेड़। तो अब ये एप्रिकॉट्स भी रेडी होने वाले हैं, अभी कच्चे ही हैं, तो कुछ दिनों के बाद ये भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे और खाने में अलग ही मज़ा आ जाएगा। तो काम ख़त्म होने के बाद हमने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए इफ्तारी के लिए, जो आज बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रूट्स लेने के टाइम पे ये जो शॉपकीपर है, ये भी परेशान हो गया कि ये क्या कर रहा है, वीडियो ले रहा है और कुछ कर रहा है, या शायद ले लेगा या नहीं लेगा। और ये भी अपनी तरीके से ये अंगूर मुझे दिखा रहा था, तो ये भी बहुत खुश था, हमने इसका वीडियो भी ले लिया और इसने अच्छे तरीके से ये अंगूर हमें दिखाए और उसके बाद इसने इनका वेट किया और फिर हमें दे दिए। और ये केले भी देखो कैसे लटके हुए हैं यहाँ पे। पिक करने के बाद हम पड़े हैं स्कूटी पे ये घर की तरफ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम सारी पे। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर, बहुत सर्दी लगी है अभी। तो गाइस, हम अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं इफ्तारी की तैयारी और बाद में मिलते हैं। तो अभी बहुत लेट हो चुका था बाहर से, तो हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी मुँह हाथ धोते हैं, नमाज़ का टाइम भी हो गया है, तो अब हम यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो मिलते हैं बाद में। तो इफ्तारी में अभी 10-15 मिनट बाकी है, हमने वज़ू बना लिया है, तो मैं आते ही सो गया था, बहुत थक गया था दिन भर। तो अभी इफ्तारी का टाइम है और हम तो इफ्तारी हम करने वाले हैं खजूरों के साथ। थोड़े से खजूर हमने निकाल लिए हैं इफ्तारी के लिए, तो चलो दोस्तों इफ्तारी कर लेते हैं अभी। और ये फैन भी पहन लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, आज दिन भर बहुत सर्दी थी, तो ये तो पहनना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हम अभी किचन में, हमने ये वज़ू भी बना लिया और फैन भी पहन लिया, तो चलो। तो इफ्तारी का टाइम शुरू होने वाला है और शाज़िब भी रेडी हो रहा है, सर पे टोपी रख ली, वज़ू भी बना लिया। वज़ू बनाया? हाँ, आज भूख लगी थी क्या? हाँ, नहीं लगी थी, यहाँ देखो भूख नहीं लगी थी, क्यों? कितने रोज़े रखे? सारे, एक भी नहीं छूटा? चलो बहुत बढ़िया है, भूख लगी अभी? इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कितनी भूख लगी है इसको अभी। तो चलो चलते हैं बाहर। ये हमारे घर के आंगन का नज़ारा है, आप ये देख लीजिए कि ये फूल कितने अच्छे से चमक रहे हैं। अभी ये थोड़े कम निकले हैं, तो बाद में ये पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, जो बहुत ही चमकते हैं। और ये हमारी पार्क है हम आंगन में, अभी देख लीजिए कि ये अभी थोड़ी थोड़ी सी घास निकल आई है और ये फूल इतने चमक रहे हैं। तो अभी देख लीजिए कि ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, आप भी देख लीजिए मेरे पीछे ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके बगल में और एक पिंक कलर के फूल है। तो उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में, इन्होंने पपाया अच्छी तरीके से काट रखे थे और सभी लगे हुए थे खाने में। दी भी और शाजी भी बहुत ही मज़े से खा रहे थे क्योंकि दिन भर रोज़ा रखा था। इफ्तारी हो चुकी है, अभी हम निकल पड़े हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मिलते हैं नमाज के बाद। तो इफ्तारी भी हो गई और खाना भी हो गया, तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ही एंड, क्योंकि आज शबे कदर है। सब लोग दुआ कीजिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।